किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जिला कपूरथला के झंडे हेठ हजारा ही किसान मजदूरों से पंजाब हितैषियों ने अज गुरद्वारा श्री बेरी साहिब नमस्तक होकर दिल्ली वालों चाले पाए ने। इस समय पूरे जिले के तीन जगह पर इकट्ठ किए गए ने। सुल्तानपुर लोधी के आस पास के लोग गुरद्वारा श्री बेरी साहिब एकत्र होए ने। एक इकट्ठ पिंड खीरावाल के अड्डे पर किया गया है। तीसरा इकट्ठ कपूरथला जलंधर बाईपास के छोटे सां की जगह के नज़दीक किया गया। समुचा काफिला कपूरथला जलंधर बाईपास से एकत्र होकर दिल्ली वालों चाले पाए गए ने। इस समय किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जिला कपूरथला के आगुआ ने गुरुद्वारा श्री बेरी साहिब विखे नमस्तक होकर चढ़दी कला की अरदास की है। हाँ जी रोला जी, मैं गुरलाल सिंह पंडोरी सूबा खजानची किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब मीडिया राही दसना चाहता भी जोड़ा साढ़ा दिल्ली मोर्चे का कपूरथले जिले का जथा चलिया ये साढ़ा तीजा जथा तो गुरद्वारा बेर साहब तो असी मत्था टेक के जा रहे हैं। तो जो बाबे नानक ने सानू सिक्ख्या दी उत्ते असी अमल करके जा रहे हैं। कोई मोर्चा कले किसानों का मोर्चा नहीं, ये सारी जनता का मसला बन गया हुण। तो मोदी सरकार नूं शायद समझ नहीं कि जिहड़े कहिंदा ना मुट्ठी भर किसान आ जां इह किसे दे कहण ते इत्थे आए आ, ये निरोल किसान जा रहे हैं। इन्हों का किसी भी राजनीतिक पार्टी ना ना पहलों संबंधी तो ना अज संबंध आ तो ना आने वाले समय तक ही संबंध होना। ये तिने कानून ये जिनी छेती आपस ले लूगा तो ठीक रहेगा। तो साढ़े आज जो दिन चलन रहे शहीदी दिहाड़े चलन रहे गुरु गोबिंद सिंह के साहबजाद के अज क्रिसमस 25 तरीक क्रिसमस डे आ सारे दुनिया च मनाया जा रहा। असी जिन्हें भी अपने त्यौहार आ उत्थे मोर्चे दे विच ही मनावांगे ते सरकार नूं मजबूर कर देंगे कानून वापस लैण वास्ते। तुहाडे वल्लों किस तरह प्रबंध किए गए? साडे वल्लों जिहड़े प्रबंध किए गए आ राशन पानी वेखो तेल जा रहा, खंड जा रही आ, खाण पीण दा समान जा रहा, किसी भी समान की कोई कमी नहीं। तो जिहड़ियां साडियां 15 तों लैके 20 दिन तक जथा जांदा वो घट्टो घट्ट छे महीने दरअसल लिखे जाता। कुछ तो उत्थे वरत्या जाता, कुछ फिर वापस आ जाता, कुछ साढ़ा उत्थे जमा हो रहा। यह लगातार मोर्चा आए दिन वाधा जा रहा। ये त्यौहार आ रहे मोर्चे अंदर ही मनाए जाएंगे सारे? जिन्हें भी सिखा दे त्यौहार जां दूजे धर्मां दे त्यौहार होण ये सारे असी मोर्चे दे विच ही मना रहे हैं। तो जिन्ना चिर मसले दा हल निकलना सारे त्यौहार ही असी मोर्चे च मनावांगे। होर वर्गों का किदां दा सहयोग मिल रहा तुहानू? ये मैं तो कहना भी कोई वर्ग इस मोर्चे नूं हमाय देण तों पिछे नहीं रहा। आ तुसां पिछे 8 तरीक नूं वेख ही लिया भी सारा पंजाब इत्थों तक मैडिकल जिहड़ियां सहूलतां मैडिकल स्टोर एमरजेंसी सेवावां होंदियां वह भी बंद रहियां। तो सड़कां ते कोई वाहन नहीं चलिया, सारियां दुकानां बंद रहियां। सानू तो सारे वर्गों का सहयोग मिल रहा तो वड्डी पद्धर ते मिल रहा। सुल्तानपुर लोधी किन्नी कु संख्या किसान जा रहे? देखो साडी अज 150 तो लेके तो 200 तक वाहन जा रहा। तो तुसीं हिसाब ले लो भी इस गिनती किन्नी होगी। ट्राली साढ़े 25-30 आदमी बह जाते हैं और साड़िया गड्डिया नाल जा रही, काफ़ी लम्मा काफिला जा रहा। तो इस अलावा साढ़े हुशियारपुर तो गिनती आ रही है, गुरदासपुर तो आ रही है, अमृतसर तरन तारण तो आ रही है। तो साढ़िया अज हजार ट्राली तो तह ट्रालियाँ हो जाएगी। आखिर जो केंद्र सरकार को ताकि मंग थी ये साढ़िया जड़िया मंगा वो तो देखो सारे ही जानते भैया जोड़े काले कानून तीन लेके आए कारपोरेट घराने वास्ते ये नीतियां बनाई सारी किसानों वास्ते सारा मौत दे वारंटी आ। तो एक पराली का कानून लिखी आई है तो जी पराली आ जोड़ा साड़ूगा उन्होंने 1 करोड़ रुपया जुर्माना तो खुली सज़ा ये वेखो धक्के कर रहा किसानों। तो शायद किसानों की इन्नी पसली भी है नहीं कि जोड़ा जो कुछ ये कर सकती है। तो सिखा का इतिहास सारे जानते किस तरह का ये पंजाब तो जड़ी गल चली आनू किसी सरकार लगातार मन की बात कर रहा है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की कहना चाहते पर असी प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं कि अपनी मन की बात ना कही जा, किसानों की मन की बात ही सुन। क्यों अपनी जिद छड़ दे तू अगे जे काले कानून लिखे हैं ना अगे कानून लिखे हैं जोड़े उन्हें घट विरोध होया तो जिन्ना विरोध यदा हो रहा तो मोदी को मजबूर कर दें। सिर्फ अपनी अणखता सवाल समझ दिया कि जे मैं कानून वापस ले ले तो पता नहीं मेरी किन्नी बेइज्जती होनी आ। सगों प्रधानमंत्री का कद बदना भी सरकार लोग बनाने लोकतंत्र आ, जे लोग इन्हों कुर्सियां दे सकते कुर्सियां खो भी सकते।
एक खडूर साहब तो सांसद ने उन्होंने वालों एक महिला पत्रकार के नाल बदसलूकी की गई है, उस घटना की वीडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया से वायरल हुई है, इस घटना तुम किस तरह देखते हो? देखो जी पत्रकार बीबी ने साड़ी भैन ने दुर्व्यवहार किया, एम पी जसवीर सिंह डिंपा जो आप चुन के भेजते हैं भी शायद वधिया हो तो तुम वेख ही लिया वोदिया करतूत भी कहोजी करतूत ये जिन्हें भी एम पी जाते विधायक जाते मंत्री संतरी आ एक गुंडे आ बदमाश आ तो गांह ही लोगों को सोच लेना चाहिए भी योजना कहो जहा किस तरह इन्हें स्वागत करना चाहिए। लगता है कि ये जंतर मंत्र धरना लगा है किसानों के अंदोलन थले नीचे लाने कर रहे हैं? नहीं देखो राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी होद न बचाने वास्ते सारा कुछ कर ड्रामे कर लिया और इन्हों किसानों के नाल कोई वाह वास्ता नहीं, जो कांग्रेस नीतियां ही वो बहुमत है उन्होंने मिलया नहीं लागू नहीं कर सकिया, मोदी को बहुमत मिल गया तो मोदी फटाफट लागू कर जाती है, ये सारे चोर एको जी आ कोई फर्क नहीं है इन्हें। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जो अज गुरु नानक पातशाह महाराज के चरणों हाथ ला गए तो दिल्ली में रवाना हो लगी संगत, जो अगे भी अं बेनती की जो आने वाले त्यौहार आ साढ़े वो अं वी पद्धर से दिल्ली मना रहे हैं, जिस तरह माघी आ 26 जनवरी आ सारा को ही दिल्ली मना, जिन्ना चेर सेंटर सरकार आपदे किते कानून वापस नहीं लेंदी उन्ना चेर अं दिल्लियों वापस आने वाले नहीं, क्योंकि असी स्टैप बाई स्टैप चढ़ रहे हैं, अं 15-15 दिन जथे बना के लड़ाई दे रहे हैं, अं जी संगत गई आ कुछ वो आजूगी कुछ चले जाएंगे, मोर्चे साढ़े चढ़ के खिला दे आ पक्के आ जित के निकला गए। वाहगुरू जी का खालसा। ये कपूर थले कोई अंत हिसाब नहीं रहा, आम भारी संगत बहुत गई आ, ये साढ़ा चौथा पंजवा जथा जिहड़ा कपूर थले ही गया, पर अज असी जथेबंदी की ड्यूटी मुताबक 15 दिन वास्ते जा रहे हैं। किस तरह प्रबंध किए गए किसान जथेबंदी वालों? प्रबंध बहुत वधिया, डिसिप्लिन आ, ट्रालियां जड़ियाँ एक अं रैश बना के जा रहे हैं, गद्दे लगे आ, परालियां थले बिछाइया, फिर इनवेटर लाइट का प्रबंध सारा करके तो सारा ही जो सानू घर वाली सहूलत वो बना के ही दिल्ली के नवा पंजाब सा के बैठे हैं। ਹਾਂਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਰਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਹੀਕਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੋ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਗੀਜਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਰਸਦ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ।